नमस्कार, अब तक की बड़ी खबरों के खास बुलेटिन बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। खबरों की शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों में। एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय में श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बिल्कुल, हाई लेवल मीटिंग की गई, अधिकारियों से तैयारियों को लेकर बातचीत की गई। बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी भी उनकी ओर से ली गई, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। श्री अमरनाथ यात्रा इस बार 30 जून से शुरू होने जा रही है, यात्रा 2 साल बाद शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, यात्रा को सुलभ बनाने के लिए जम्मू कश्मीर शासन प्रशासन लगातार प्रयासरत है। बाबा अमरनाथ की गुफा दक्षिण कश्मीर में 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यात्रा 2021 और 20 में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से नहीं हो सकी थी। साल 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने से पहले इस यात्रा को तय समय से जल्दी खत्म कर दिया गया था। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बीच आज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी। बिल्कुल, रिपोर्ट को लेकर हालांकि अभी उलझन की स्थिति बरकरार है, अभी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। इस बीच सरकारी वकील ने मंगलवार को याचिका दायर करके एक और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की है। इसके साथ ही वजूखाने और शौचालय को शिफ्ट करने की मांग की गई है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में 3 दिन तक सर्वे का काम चला था। बिल्कुल, 3 दिन में जो सर्वे किया गया ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर, सर्वेक्षण की रिपोर्ट आज किसी भी सूरत में पेश नहीं की जा सकेगी। ये दावा एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि आज रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी, उसके लिए 3 दिन का उन्होंने समय मांगा है। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस नेता कीर्ति चिदंबरम के कई ठिकानों पर सीबीआई रेड हुई। बिल्कुल, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के घर से लेकर दफ्तर समेत कई जगहों पर सीबीआई की ओर से दबिश की गई और छापेमारी की गई। देखिए रिपोर्ट। मंगलवार की सुबह सीबीआई की टीम कार्ति चिदंबरम के दिल्ली और चेन्नई के ठिकानों पर पहुंची और छापेमारी शुरू की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ 2010 से लेकर 14 के बीच कथित लेनदेन और पैसा भेजने पर नया केस दर्ज किया है। मुंबई, दिल्ली और तमिलनाडु में 7 जगहों पर तलाशी ली जा रही है। जो बाहर थे 7 अंदर गए। हमसे पूछे कार्तिक सर यहाँ पे, हमने कहा यहाँ पर कंप्यूटर चल रहा है। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि कार्ति चिदंबरम और उनके सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्ति चिदंबरम ने चाइनीज कंपनी के लोगों को अपने प्रभाव से वीजा दिलवाया था। इस वीजा के बदले 50 लाख रुपए लेने का आरोप है। उस समय उनके पिता केंद्रीय गृह मंत्री थे। ये मामला साल 2011 का है। वहीं सीबीआई की छापेमारी के बाद कार्ति चिदंबरम ने सीबीआई पर भी निशाना साधा है। कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं इसकी गिनती ही भूल गया कि कितनी बार ये छापेमारी हुई है, जरूर ही इसका रिकॉर्ड बनेगा। अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, भारत जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक उत्पादक देश है, भारत गेहूं का निर्यात रोक रहा है। बिल्कुल, भारतीय ओर से बड़ा फैसला कि निर्यात रोका जाएगा, जिससे वैश्विक बाजार में उथल पुथल का माहौल देखा गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत की तरफ से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद वैश्विक बाजार में गेहूं के दाम नई ऊंचाई पर पहुंच गए। आपको बताने कि भारत ने कहा था कि मार्च में अब तक का सबसे अधिक तापमान रहने के बाद गेहूं की निर्यात पर रोक लगा रहा है भारत, जिसके चलते यूरोप के बाजार में गेहूं के दाम बढ़कर प्रति टन 435 यूरो पहुंच गए। गेहूं के दाम में बढ़ोतरी से पूरे विश्व में महंगाई बढ़ चुकी है और गरीब देशों में अकाल और सामाजिक असंतोष का डर भी पैदा हो गया है। भारत जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश है, भारत ने कहा कि कम उत्पादन और तेजी से बढ़ते वैश्विक दामों की वजह से वो अपनी 1.4 बिलियन जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा के लिए चिंतित है। भारत ने कहा कि 13 मई से पहले जारी हुए निर्यात के समझौतों के आदेशों में वो फिर भी मान रख सकता है, लेकिन आगे की शिपमेंट के लिए सरकार से मंजूरी की जरूरत होगी। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध की दुनिया की 7 सबसे ताकतवर देशों ने G7 में कड़ी आलोचना भी की है। इन 7 देशों का कहना है कि इससे वैश्विक महंगाई और समस्या और गंभीर हो जाएगी। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शिमला दौरे पर रहे। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने अभिभावकों और छात्रों से संवाद। बिल्कुल, हिमाचल में चुनाव है और चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी काफी एक्टिव हो गई है। सिसोदिया पहुंचे, अभिभावकों से बात की गई, छात्रों की बातों को सुना गया, अपनी बात भी सबके सामने उनकी ओर से रखी गई। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज इस संवाद के बाद लगता है कि देश में आम आदमी पार्टी का बनना सफल हुआ है। बिल्कुल, जनता गंभीरता से शिक्षा पर बात कर रही है, ये देश में बड़ा बदलाव है और ऐतिहासिक है। देश में चुनाव से पहले शिक्षा पर चर्चा जरूरी है।
अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी मामले में हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि ज्ञानव्यापी कोई उर्दू, अरबी या फारसी का शब्द नहीं है, ये हिंदी का शब्द है। बिल्कुल, इस मसले को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। इस शब्द को देखकर लगता है कि हिंदू मंदिर ही रहा होगा, ये दावा किया गया है। अनिल विज ने मामला अदालत में है तो इसका फैसला भी अदालत ही करेगा, ये भी बात कही गई। अनिल विज ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी तंज कसा और कहा कि अगर देश में भड़काऊ भाषण देने का गोल्ड मेडल देना हो तो वो ओवैसी को ही दिया जाए। ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट इसका फैसला करेगी। जहाँ तक ज्ञानव्यापी की बात है, ये एक हिंदू शब्द है, ये उर्दू का शब्द नहीं है, फारसी का शब्द नहीं है, अरबी का शब्द नहीं है। तो शब्द को देख के तो लगता है कि ये हिंदू मंदिर ही रहा होगा। इस देश में भड़काऊ बयान देने में अगर किसी को गोल्ड मेडल देना हो तो वो ओवैसी का ही बनता है। अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोताही करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, आने वाली मीटिंग तक सभी शिकायतों को दूर किया जाए, शिकायतें पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, साफ तौर पर संदेश उनकी ओर से दिया गया। निर्देश दिया गया कि जेपी दलाल ने कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में 10 शिकायतों का निपटारा भी किया। इस दौरान उनके साथ विधायक सोमवीर सांगवान, डीसी श्यामलाल पुनिया और एसपी दीपक गहलावत भी मौजूद थे। ज्यादातर शिकायतों में दूषित जल भराव और सीवर जाम होने की शिकायतें। आज 10 समस्याएं हमारे पास आई हैं और इसमें से कई समस्याएं पुरानी हैं, ज़्यादातर को मैंने पेंडिंग रखा है क्योंकि मैं भी संतुष्ट नहीं था और जिसने दरख्वास्त लगाई थी वो भी संतुष्ट नहीं था। और अधिकारियों को सख्ती से आदेश दिए हैं कि अगली मीटिंग से पहले पहले इन समस्याओं का समाधान करें। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र में चल रही सांसद खेल स्पर्धा के तीसरे दिन घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज पहुंचे। विधायक और पूर्व मंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर और साथ ही मेडल देकर सम्मानित किया। विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि जिस तरीके से देश के पीएम की तरफ से हर वर्ग के हर बिंदु के ऊपर काम किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। इस दौरान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया गया, उनकी हौसला अफजाई की और साथ ही खेलों को सभी के लिए बहुत जरूरी बताया। '47 के बाद ये पहला मौका है जब देश के अंदर एक ऐसी सरकार जिसने सभी फील्ड में हमारा देश जो है ना सर्वांगीण विकास करे, हर फील्ड में जो है ना इस प्रकार की स्पर्धाएँ, हमारे महापुरुषों के जो है ना जयंतियाँ मनाना, अपने जो प्लेयर हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए सांसद खेल स्पर्धा जो है ना पूरे देश के अंदर जो है ना आयोजित करने का काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उससे निश्चित तौर पर जो खेलों में भाग लेने वाले हमारे खिलाड़ी हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा और उनको आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। सांसद नायब सैनी जी ने, उनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से इसका आयोजन यहाँ पर कुरुक्षेत्र के अंदर किया है, निश्चित रूप से ब्लॉक स्तर पर गांव स्तर के सभी युवाओं को इसमें भाग लेने का मौका मिला है और जहां उनकी प्रतिभा भी निखरेगी वहीं एक खेल भावना जो एक समाज के अंदर जाएगी और बच्चों के अंदर भी उसी तरीके से वो संस्कार आएंगे जो समाज के लिए बहुत अच्छा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर बिंदु को बड़ी बारीकी से लेते हैं, चाहे वो युवाओं की बात है चाहे वो किसी भी वर्ग की बात है, और उसी प्रकार से हरियाणा के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिन्होंने हर क्षेत्र में बहुत प्रदेश को आगे बढ़ाया है। बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर से भूख हड़ताल की है, आज और कल 11 कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बिल्कुल, कर्मचारियों की ओर से भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है, क्रमिक भूख हड़ताल का सिलसिला जारी है। बहादुरगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारी एक बार फिर क्रमिक भूख हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल नगर परिषद के सफाई कर्मचारी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। अप्रैल और अगस्त 2020 में सफाई कर्मचारियों के साथ सरकार का सभी मांगों पर समझौता हुआ था जो आज तक लागू नहीं हुआ है। उसी समझौते को लागू करवाने के लिए कर्मचारी कभी झाड़ू उठाकर विरोध जताते हैं तो कभी प्रदर्शन कर और कभी हड़ताल पर जाकर विरोध दर्ज करवाते रहते हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो पाती है।
इसी क्रम में बहादुरगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने दो दिन की क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की है। मंगलवार बुधवार को नगर परिषद के 11-11 सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहेंगे ताकि सरकार उनकी बात सुन सके। इसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इसका विरोध करता है। सफाई कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि कोरोना काल में मौत का शिकार बने सफाई कर्मचारियों के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए। सरकार से 4000 रुपए जोखिम भत्ता देने की मांग भी की गई है। अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, यमुनानगर में बदमाश एक व्यापारी के ड्राइवर की शहर के सबसे व्यस्त बाईपास चौराहे पर गोली मारकर उसका बैग छीनकर फरार हो गए। बिल्कुल क्राइम चरम पर के जैसे ही एक व्यक्ति बैंक में दरअसल जमा करवाने के लिए 50 लाख का कैश डालकर बैंक में जाने के लिए कार से उतरा, इस दौरान बदमाश वहां पहुंचे और करीब से गोली मारकर उसका बैग छीनकर फरार हो गए। ड्राइवर को तुरंत प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि चिराहा सबसे व्यस्त चिराहा है और 24 घंटे पुलिस और होमगार्ड के जवान भी यहां पर तैनात रहते हैं। उसके बाद भी हत्या को अंजाम दिया गया, लूट को अंजाम दिया गया। सोनीपत जिले में एक छात्र को बस में टिकट न लेने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। बिल्कुल, आप सोचेंगे कि बस की टिकट ना लेना और स्टूडेंट की मौत हो जाना, ये कैसे इसका कनेक्शन है, दोनों के बीच कनेक्शन क्या है, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। सोनीपत मुरथल रोड पर हरियाणा रोडवेज की बस के नीचे आने से एक इंजीनियरिंग के छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मृतक छात्र मुरथल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का छात्र था। छात्र हरियाणा रोडवेज के बहादुरगढ़ से चंडीगढ़ जा रही बस में सवार था, लेकिन इसी बीच छात्र ने बस के टिकट नहीं ली। मिली जानकारी के मुताबिक छात्र को बार बार खिड़की से दूर रहने के लिए कहा गया, लेकिन छात्र उतरने की बात कहकर वहीं खड़ा रहा। कुछ दूरी पर बस की टिकट चेकिंग करने वाला स्टाफ खड़ा था, इतने में छात्र ने चलती बस से छलांग लगा दी। मैं आके खड़ा था बस में, खिड़की खोल ली थी, हमने कहा कि खिड़की बंद कर ले, बंद कर ले। इसने ये नहीं होता कि मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी सामने उतरना है, तो ये चलती गाड़ी में चलती बस से छलांग लगाने के कारण छात्र बस के टायर के नीचे आ गया, जिसकी वजह से छात्र की मौके पर मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, झज्जर में बदमाशों के बुलंद हौसले हैं। कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। बिल्कुल, क्या के पूरा मामला एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झज्जर में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब सिलानी गेट क्षेत्र में सब्जी मंडी के सामने मनी ट्रांसफर का काम करने वाले एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 से 4 की संख्या में बदमाश पैदल ही दुकान के पास पहुंचे और पीछे से एक के बाद एक कई फायर कर दिए। दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी वसीम अकरम, डीएसपी राहुल देव भी मौके पर पहुंचे और आरोपितों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। यहाँ मौके पर आए थे, हॉस्पिटल में इसको ले गए थे, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसको एक ही गोली लगी है। अभी तो शुरुआती जांच कर रहे हैं हम, घर वालों से भी बात करी, अभी तक तो कोई गंडीश वाली कोई बात नहीं आई है, तो अभी इसके फोन की छानबीन और सीसीटीवी की छानबीन से फिर आगे जैसा भी होगा कार्रवाई होगी आपको बता। कितने बंदे हैं अभी तक जो पता चला है? 3 से 4 आदमी आए थे यहाँ। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। अब तक की बड़ी खबरों में एक और अहम खबर, सोनीपत जिले में हाल ही में 8 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। बिल्कुल, इस दौरान आरोपी पिता ने ये खुलासा भी किया है कि उसने अपनी बेटी की हत्या आखिरकार क्यों की। देखिए, सोनीपत जिले में पुलिस ने अपनी 8 साल की मासूम की हत्या करने वाले आरोपी पिता को गिरफ्तार कर दिखाया है। दरअसल बजाना खुर्द गांव में 14 मई को 8 साल की मासूम तमन्ना की उसके पिता ने बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। आरोपी पिता वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। वहीं पुलिस ने घटना के 3 दिनों के अंदर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर दिखाया है। फरवरी को एक छोटी लड़की 8 साल की थी तमन्ना, इसको जगना है, ये इसने अपनी लड़की का मर्डर कर दिया था और मुर्गी वगैरह लेके आ रहा था, उसको दाना वगैरह नहीं खिलाया इसने, तो दाना नहीं खिलाया तो उसमें गुस्सा आ गया, तो उसने उस बच्ची के साथ रस्सी से हाथ बांध कर कुट्टी पर लटका दिया पहले, तो फिर उसके साथ काफ़ी मारपीट करी, तो उस डंडे की चोट से इसकी मौत हो गई थी। इस बीच आरोपी पिता ने इस बात का खुलासा किया है कि उसने अपनी बेटी की हत्या इसलिए की थी क्योंकि मासूम तमन्ना ने मुर्गियों को चारा और पानी नहीं दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को सलाखों के पीछे भेज दिया है। देखना ये होगा कि आरोपी को कितनी सजा और क्या सजा मिलती है।
आगे बढ़ते हैं एक और अहम खबर की तरफ। ऊना के नशा निवारण केंद्र में पिछले दिनों 27 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को लेकर मृतक के परिवार वालों ने प्रदर्शन किया। बिल्कुल, सड़कों पर उतर आए। इस दौरान लोगों ने एक तरफ जहां शहर की सड़कों पर रोष रैली निकाली, साथ ही एसपी कार्यालय के बाहर भी धरना दिया गया। ग्रामीणों और रिश्तेदारों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे मृतक अमित के माता पिता ने पुलिस की अभी तक की कार्रवाई से असंतोष जाहिर किया। अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। करनाल जिले से पुलिस की सराहनीय पहल सामने आई है, जहां पुलिस ने अपनी जान की परवाह किए बिना 18 साल के युवक को नहर में डूबने से बचाया। तो कैसे युवक की जान बचाई गई है, खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करनाल जिले में एक युवक अचानक नहर में गिर गया। आसपास मौजूद लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा, जिसे देखकर एक किसान की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रस्सी के जरिए युवक की जान बचाई। पुलिस की माने तो युवक काफी घबराया हुआ है। युवक के परिजनों को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी। जिंदगी में आपने जरूर सुना होगा कि भगवान जिंदगी ले भी सकता है, दोबारा दे भी सकता है। ऐसा तब हुआ जब युवक को बचाने के लिए पुलिस सामने आई और युवक को एक नई जिंदगी दी। वहीं दूसरी तरफ युवक का कहना है कि वो अपनी बाइक को साइड पर लगाकर नहर के किनारे बैठा था। इसी दौरान किसी ने पीछे से आकर धक्का दे दिया, जिससे वो पानी में गिर गया। वो डूबने लगा तो उसने चिल्लाना शुरू किया। कुछ समय बाद रस्सी की मदद से पुलिस कर्मचारियों ने युवक को बाहर निकाला। जिंदगी में कहते हैं कि जान बचाने वाला खुदा से कम नहीं होता। आज युवक को एक नई जिंदगी मिली। पुलिस ये पता लगाने का भी प्रयास कर रही है कि आखिर युवक को पीछे से किसने धक्का दिया। तो वहीं युवक के पिता ने भी पुलिस का आभार जताया है। अब तक की बड़ी खबरों में एक और अहम खबर। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है, जिसके लिए दुनिया भर से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, अब तक लाखों की संख्या में लोग चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। इस दौरान लोगों को कई तरह की परेशानी भी उठानी पड़ी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। तीर्थ यात्रियों का सैलाब पहाड़ों पर उमड़ पड़ा है। लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने पहुँच रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसका फायदा स्थानीय छोटे बड़े कारोबारी खूब उठा रहे हैं। चारधाम यात्रा पर आ रहे तीर्थयात्रियों को स्थानीय होटल व्यवसायी और दुकानदार ओवर रेट पर सामान बेच रहे हैं। केदारनाथ धाम में खाने पीने और रहने के दाम आसमान छू रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि पानी की बोतल 50 रुपए में बेची जा रही है, जबकि मैगी और परांठा 150 रुपए में बेचा जा रहा है। चाय 20 से 25 रुपए में बेची जा रही है। किसी भी दुकानदार ने रेट लिस्ट को चस्पा नहीं किया है और अपनी मनमर्जी से सामान बेच रहे हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालु भी परेशान हैं। ऐसे में ओवररेट की मिल रही शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए व्यापारियों को सख्त हिदायत दी है और कारोबारियों के चालान भी काटे जा रहे हैं। अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। रुपए के मुकाबले डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। इसकी वजह क्या है और आम आदमी पर इसका क्या असर हो सकता है, दिखाते हैं आपको। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को करेंसी मार्केट में भारतीय रुपया कमजोरी के साथ खुला। रुपया एक डॉलर के मुकाबले 28 पैसे की गिरावट के साथ अपने ऐतिहासिक निचले स्तर 77.73 रुपए तक जा लुटता है। रुपए में गिरावट को थामने के लिए सभी उम्मीदें RBI पर टिकी हैं। सवाल उठता है कि क्या RBI रुपए को और गिरने से रोकने के लिए डॉलर की बिकवाली करेगा, क्योंकि रुपए को नहीं थामा गया तो रुपए में गिरावट के चलते लोगों पर महंगाई की और मार पड़ सकती है। आयात महंगा हो सकता है। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में एक डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर 80 रुपए प्रति डॉलर तक गिर सकता है। दरअसल अमेरिका में बढ़ती महंगाई के मद्देनजर फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला लेता है तो भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से निवेशक पैसा निकाल सकते हैं, जिससे रुपया और कमजोर हो सकता है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के ग्लोबल रुझान के बीच विदेशी फंडों की ओर से बिकवाली जारी रहने से भी रुपए पर दबाव आया है। कच्चा तेल महंगा होने और अन्य करेंसी के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने से रुपया कमजोरी के दायरे में दिखाई दे रहा है। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। श्रीलंका में इस वक्त पेट्रोल को लेकर मारामारी है। बिल्कुल, एक बूंद भी पेट्रोल नहीं बचा के विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की वजह से देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल और जरूरी सामान भी नहीं खरीद पा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। हाल ही में PM की कुर्सी संभालने वाले रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि श्रीलंका में सिर्फ एक दिन का पेट्रोल बचा है। इससे पहले रानिल विक्रमसिंघे ने TV के माध्यम से देश को संबोधित करते हुए कहा कि उनका पहला मकसद देश को बचाना है, न किसी व्यक्ति परिवार या समूह को। उनका इशारा पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार की ओर था। विक्रमसिंघे ने देश की जनता को चेताते हुए कहा कि आने वाले कुछ महीनों में हमारी जिंदगी और मुश्किल होगी,
मैं किसी सच को छिपाना और जनता से झूठ नहीं बोलना चाहता। हालांकि ये बातें डरावनी है, लेकिन सच्चाई यही है। श्रीलंका के पीएम ने विदेशी मदद की उम्मीद जताई है। आपको बता दें, श्रीलंका सरकार को खर्च चलाने के लिए 2.4 ट्रिलियन श्रीलंकाई मुद्रा की जरूरत है, जबकि सरकार को मिलने वाला राजस्व मात्र 1.6 ट्रिलियन है। जब से श्रीलंका में संकट शुरू हुआ, ये पहला मौका है जब सरकार की ओर से सच्चाई को स्वीकारा गया कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है, जिसकी वजह से वो तेल और बाकी जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे। और अब तक की बड़ी खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई जारी है। दोनों पक्षों के वकील कोर्ट में मौजूद हैं। बिल्कुल, वाराणसी अदालत में 3 याचिकाओं पर ये सुनवाई जारी है। दोनों ही पक्षों के वकील इसमें मौजूद हैं। तो एक अहम खबर, कई दिन के बाद जब सर्वे की रिपोर्ट को लेकर अब ये हो रहा था कि कब वो पेश की जाएगी, लेकिन फिलहाल कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों की मौजूदगी के बीच सुनवाई चल रही है। 3 याचिकाओं पर सुनवाई जारी। हालांकि खबर ये भी पहले आई, नासिर की 2 से 3 दिन का वक्त मांगा जाएगा रिपोर्ट पेश करने को लेकर। देखना ये होगा कि अदालत की ओर से वक्त दिया जाता है या उसके बाद रिपोर्ट पेश की जाती है और रिपोर्ट में क्या कुछ पेश किया जाता है अदालत में। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो सर्वे कराया गया, जो रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सी चीजों का जिक्र किया गया। जहां हिंदू पक्ष का ये कहना था कि वहां पर शिवलिंग मिला है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो एक फव्वारा है। और अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, चंडीगढ़ में बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों का सेमिनार होने जा रहा है। बिल्कुल, सीएम मनोहर लाल सेमिनार की अध्यक्षता करेंगे। करीब 14 विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। अधिकारी और मुख्यमंत्री सभी विधायकों को सरकार की ऑनलाइन योजनाओं और प्रक्रियाओं की जानकारी देंगे। बिल्कुल, तो ये बेहद अहम सेमिनार होने वाला है। दोपहर बाद 3 बजे हरियाणा निवास में सेमिनार होगा। सभी विधायक, जिसमें बीजेपी, जेजेपी और सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक भी हिस्सा लेने वाले हैं। सेमिनार की तैयारियों की तस्वीरें भी सामने आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधायकों को संबोधित करेंगे, सरकार की ऑनलाइन योजनाओं और प्रक्रियाओं की जानकारी देंगे और साथ ही 14 विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।